कराची में फायरिंग से पुलिस एहलकार जहां बहक डकैती मुजाहमत पर SHO जख्मी। कराची के इलाके कुरंगी में फायरिंग से एक पुलिस एहलकार जहां बहक हो गया, जबकि एक और वाकये में SHO मेमन गोठ डकैती मुजाहमत पर जख्मी हो गए। सीनियर सुपरिटेंडेंट पुलिस SSP कुरंगी साजिद अमीर सदुजई के मुताबिक कुरंगी के इलाके जमान टाउन 51C एरिया में चेकिंग के दौरान पुलिस एहलकारों ने मुश्तबा अफराद को रोका। SSP कुरंगी का बताना है कि मोटरसाइकिलों पर सवार मुलजमान ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिससे 31 साल हेड कांस्टेबल मंजूर जख्मी हुआ, जिसे फौरी तौर पर हस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां पहुंचने तक वो शहीद हो गए। पुलिस के मुताबिक इसी इलाके में गोदाम चुरंगी पर भी पुलिस मुकाबले में एक पुलिस एहलकार जख्मी हुआ। इधर मेमन गोड़ थाने के SHO इद्रीस बंगिश को साइट पर सुपर हाईवे के इलाके में एक प्रॉपर्टी डीलर के पास मुबैना तौर पर डकैती के दौरान मुजाहमत करने पर गोली लगी। पुलिस ज़राए के मुताबिक वारदात के दौरान साबिक SHO साइट सुपर हाईवे इद्रीस बंगिश ने मुलजमान को पकड़ने की कोशिश की। फायरिंग के इस वाक़े में एक शहरी आसिफ चांडियो भी ज़ख्मी हुआ। मुलजिम को इद्रीस ने ज़ख्मी हालत में पकड़ लिया, जिसे हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है।